हेलो फ्रेंड, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं ब्रिजवासी गर्ल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूं बेटनोवेट सी क्रीम के बारे में। ये एक स्किन क्रीम है, काफ़ी लोग इसको फेयरनेस क्रीम की तरह भी यूज़ करते हैं और जो इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं उसके बाद सोचते हैं इस पर लिखा तो स्किन क्रीम ही होता है, फिर इसके साइड इफ़ेक्ट हुए क्यों। तो आज की वीडियो में मैं इसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं, बेनिफिट क्या होते हैं और कौन कौन सी स्किन प्रॉब्लम में आप यूज़ कर सकते हैं जिससे आपको साइड इफ़ेक्ट ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, पहले देख लेते हैं इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट का यूज़ किया गया है। तो जहाँ तक बात होती है बेटनोवेट सी क्रीम के इंग्रेडिएंट्स की, तो इसमें दो ही इंग्रेडिएंट्स हैं और पहला है बेटामेथासोन। ये एक तरह का स्टेरॉयड है जो कि आपको स्किन की जो एक्जिमा प्रॉब्लम होती है उसमें यूज़ किया जाता है। स्किन पर किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो गया है तो उसमें यूज़ किया जाता है, कहीं से भी आपकी स्किन रेड पड़ गई है तब यूज़ किया जाता है। इसका ही सेकेंड इंग्रेडिएंट्स है क्लियोक्विनोल। ये एक तरह का ड्रग है, अगर आपकी स्किन पर कहीं पर भी फंगल इन्फेक्शन हो गया है, बहुत ज़्यादा रैसेस हैं, खुजली होती है, तब ये वहाँ पर काम करता है। तो ये दोनों ही इंग्रेडिएंट्स है इसमें और कोई भी नहीं है। तो ये किस तरह से काम करते हैं ये मैं बता चुकी हूँ। वो अगर एक्जिमा की प्रॉब्लम है स्किन पर तब यूज़ कर सकते हैं, पूरी बॉडी पर कहीं पर भी। फंगल इन्फेक्शन है तब यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं एक्ने पिंपल पर इसको लगाना है या डार्क स्पॉट पर इसको लगाना है तो ये बिल्कुल भी गलत है, ये काम नहीं करेगा, ये आपकी स्किन को ख़राब करके रख देता है। ये 30 ग्राम का प्रोडक्ट आपको 40 रुपीज़ में इजीली किसी भी मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगा। ये क्रीम इतनी ज़्यादा फेमस है, लोग इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं और फिर इसके साइड इफ़ेक्ट भी इतने होते हैं, फिर इसको सर्च करते हैं कि साइड इफ़ेक्ट हुए क्यों हैं। तो सस्ते होने के कारण यूज़ करते हैं या क्यों यूज़ करते हैं, ये आपको तुरंत फेयरनेस दे देती है इसीलिए, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत हैं, ये ध्यान रखें। तो दोस्तों, अब आपको पता चल गया होगा कि इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट का यूज़ किया गया है और कौन कौन सी स्किन प्रॉब्लम में आप इसको यूज़ कर सकते हो, और आप अगर फेयरनेस के लिए यूज़ कर रहे हैं तो आपको इसके साइड इफ़ेक्ट क्यों हो रहे हैं। क्योंकि ये कोई भी फेयरनेस क्रीम नहीं है, कोई भी डार्क स्पॉट क्रीम नहीं है, ये सिर्फ जो एक्जिमा हो गई है या फंगल इन्फेक्शन है आपकी स्किन पर किसी भी तरह का, तो सिर्फ उसमें ही यूज़ की जाती है। अगर आपकी स्किन पर किसी भी तरह का इन्फेक्शन है, खुजली हो रही है, तब आप यूज़ कर सकते हैं। कभी कभी स्ट्रेच मार्क्स में भी खुजली होने लग जाती है तब यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको फेयरनेस क्रीम की तरह अपने फेस पर अप्लाई नहीं करना है बिल्कुल भी, क्योंकि ये एक पूरी तरह से स्टेरॉयड क्रीम ही है। किसी किसी स्टेरॉयड क्रीम में ऐसा होता है एक से दो इंग्रेडिएंट्स ही स्टेरॉयड होते हैं और जो होते हैं वो सेफ होते हैं, लेकिन इसमें मेन टू ही इंग्रेडिएंट हैं और दोनों ही स्टेरॉयड हैं और एक ड्रग है, तो ये कहीं से भी बेनिफिशियल नहीं है आपकी स्किन के लिए। अगर आप एज अ फेयरनेस क्रीम यूज़ कर रहे हैं, एज अ डार्क स्पॉट रिमूवल क्रीम यूज़ कर रहे हैं, तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर भी करें और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें।